बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हमाद नवाब और आप देख रहे हैं पीपीएससी प्रिपरेशन विद हमाद। ये जनरल नॉलेज का पार्ट टू है जिसमें 71 to 140 एमसीक्यूज़ हैं। पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ और इस जनरल नॉलेज सीरीज़ का टारगेट 10,000 एमसीक्यूज़ विद डिटेल हैं, जिसका पार्ट टू मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। इट्स आंसर इज़ किंग अब्दुल खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया। यानी सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एंड कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अल रियाज। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़। लार्जेस्ट एनिमल दुनिया का ब्लू व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 73, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 74, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 75, लार्जेस्ट कैथेड्रल ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज कैथेड्रल चर्च ऑफ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 76, लार्जेस्ट सिमेट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज ओल्सडॉर्फ सिमेट्री ऑफ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 77, लार्जेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज बलिस्का ऑफ सेंट पीटर इन द वेटिकन सिटी रोम। क्वेश्चन नंबर 78, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज एशिया। एशिया दुनिया का पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा कॉन्टिनेंट है, एज वेल एज जो है इसका एरिया भी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 79, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज। इट्स आंसर इज रशिया एंड कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 80, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज। इट्स आंसर इज चाइना एंड कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 81, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज सुंदरबन इन which is located in India. Question number 82, largest desert of the world is. Its answer is Sahara Desert. It is located in North African continent. Question number 83, largest dam of the world is. Its answer is Three George Dam, China. And capital of China is Beijing. Question number 84, largest earth filled dam of the world is. And its answer is Tarbela Dam, which is located in Pakistan and located on the river Indus. And capital of Pakistan is Islamabad. Question number 85, largest Gulf of the world is. Its answer is Gulf of Mexico. Question number 86, largest island of the world is. Its answer is Greenland. Question number 87, largest salt water lake of the world is. Its answer is Caspian Sea. Caspian Sea एक lake है, लेकिन इसके last पे sea का word इस्तेमाल होता है। Question number 88, largest fresh water lake of the world is. Its answer is Lake Superior, जो के South America continent में locate करती है। Question number 89, largest library of the world is. Its answer is लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेट करती है। एंड कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ डीसी, वाशिंगटन डीसी। एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 90, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड इज। इट्स आंसर इज मस्जिदुल हरम सऊदी अरेबिया। एंड कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज अल रियाज। क्वेश्चन नंबर 91, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज। एंड इट्स आंसर इज माउंट एवरेस्ट, विच इज लोकेटेड इन नेपाल। एंड कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 92, लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज। एंड इट्स आंसर इज एंडीज। एंड इट इज आल्सो लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर ये एंडीज माउंटेन लोकेट करती है, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 93, द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन।
एशिया में बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? इट्स आंसर इज टोक्यो जापान, जो कि जापान का कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 94, द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया इज, लार्जेस्ट जो आइलैंड वर्ल्ड का है वो ग्रीनलैंड है, जबकि एशिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो बोर्नियो आइलैंड है, और इसको सराउंडेड किया है, इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज लोकेट करते हैं उनमें एक इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन एशिया इज, लार्जेस्ट तो बोर्नियो आइलैंड है, जबकि स्मॉलेस्ट आइलैंड मालदीव्स आइलैंड है, जो कि नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में लोकेट करता है, एंड इट्स कैपिटल इज मेल। क्वेश्चन नंबर 96, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, इट्स आंसर इज यांगजी रिवर, विच इज लोकेटेड इन चाइना एंड कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 97, द हाइएस्ट माउंटेन इन एशिया इज, द हाइएस्ट माउंटेन एशिया इज माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट एशिया में भी सबसे बड़ी है जबकि दुनिया में भी सबसे बड़ी है, यानी कि हाईएस्ट इसकी हाइट है, और ये लोकेट करती है एशिया में, नेपाल में माउंट एवरेस्ट लोकेट करती है, नेपाल एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उधर और नेपाल के दरमियान ये वाकया है। क्वेश्चन नंबर, नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है, और माउंट एवरेस्ट हिमालयाज रेंज में पाई जाती है, लोकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 98, द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया इज, एशिया में जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम है जी डेड सी, जो कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है, इसराइल का कैपिटल टेल अवीव एंड जेरूशलम, जबकि जॉर्डन का कैपिटल अमान है। क्वेश्चन नंबर 99, द बिगेस्ट लेक इन एशिया इज, एशिया में बिगेस्ट लेक कैस्पियन सी है, इसको पांच कंट्रीज ने शेयर किया है, जिसमें रशिया, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड ईरान हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया इज, एशिया में लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा जी, गोबी डेजर्ट, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया, कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग, वेयर एज कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज़ यूलन बार्टर। क्वेश्चन नंबर 101, फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबल प्राइज वाज, वो कौन सी वुमेन है जिन्होंने जिन्होंने पहला नोबल प्राइज जीता था, एंड इट्स आंसर इज मैरी कुरी। क्वेश्चन नंबर 102, हु फर्स्ट क्लेम्ड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, वो कौन सा बंदा या बंदी है जिसने सबसे पहले क्लेम किया था कि प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इट्स आंसर इज कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 103, सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज कॉपरनिकस, सोलर सिस्टम को भी कॉपरनिकस ने ही डिस्कवर किया था, जबकि कॉपरनिकस ने ही ये कहा था कि प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, विच साइंटिस्ट डिस्कवर डैट जर्म्स कॉजिज डिजीज, इट्स आंसर इज लुइस पाश्चर। क्वेश्चन नंबर 105, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 106, साइंटिस्ट हु स्टेटेड डैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, एंड इट्स आंसर इज आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 107, फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय विच मुस्लिम साइंटिस्ट, वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल कानून फितिब लिखी थी, इट्स आंसर इज बू अली सीना। क्वेश्चन नंबर 108, जर्मन साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिकल वारफेयर इज, इट्स आंसर इज फ्रिट्स हैबर, एंड कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 109, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, इट्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स आंसर इज ग्रेविटेशन। जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी थी वो आइंस्टाइन ने पेश की थी, और ये थ्योरी है क्या थी, किससे रेलिवेंट थी, इसका आंसर है जी ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 110, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज आ, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था, इसका आंसर है जी फिजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1111, फेमस साइंटिस्ट हु वाज आल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो कौन सा फेमस साइंटिस्ट है जो के ग्रेट आर्टिस्ट भी था, इट्स आंसर इज डाविंसी। क्वेश्चन नंबर 112, वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज
एडवर्ड जीनर. क्वेश्चन नंबर 113, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. क्वेश्चन नंबर 114, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, इट्स आंसर इज रॉबर्ट हुक. क्वेश्चन नंबर 115, विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज कैसिमीर फंक. क्वेश्चन नंबर 116, द माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज गैलीलियो. क्वेश्चन नंबर 117, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय, इट्स आंसर इज अलेसेंड्रो वोल्टा. क्वेश्चन नंबर 118, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय बेकुरल. क्वेश्चन नंबर 119, एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, इसका आंसर है जी रोंटजेन. क्वेश्चन नंबर 120, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज जे जे थॉम्सन. क्वेश्चन नंबर 121, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंड इट्स आंसर इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. क्वेश्चन नंबर 122, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज जेम्स चैडविक. क्वेश्चन नंबर 123, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने प्रोटॉन एज वेल एज न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 124, द फैक्ट डैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ये फैक्ट के यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ये किसने डिस्कवर किया था, इसका आंसर है जी हबल. क्वेश्चन नंबर 125, वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय एंड इट्स आंसर इज दमित्री अवोन्स्के. दमित्री अवोन्स्के ने वायरस को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 126, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय, इंसुलिन ड्रग किसको किसने डिस्कवर किया था, इसका आंसर है जी सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग. क्वेश्चन नंबर 127, कार्बन डाइऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज जोसेफ ब्लैक. क्वेश्चन नंबर 128, सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, इट्स आंसर इज जाबर बिन हयान. क्वेश्चन नंबर 129, द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एस्टेरॉयड वाज, इट्स आंसर इज सीरस. क्वेश्चन नंबर 130, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, इट्स आंसर इज लेक बाइकल. लेक बाइकल डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है. क्वेश्चन नंबर 131, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज एंड इट्स आंसर इज लेक टिटिकाका. क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन पाकिस्तान वॉन वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, इट्स आंसर इज 1992. क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन पाकिस्तान्स फर्स्ट कैबिनेट स्वॉर्न एंड इट्स आंसर इज ऑन 15th of August 1947. क्वेश्चन नंबर 134, फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान की पहली न्यूज़ एजेंसी कौन सी थी, इट्स आंसर इज APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 135, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान, वो कौन सी पहली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले ज्वाइन किया, इट्स आंसर इज बहावलपुर. क्वेश्चन नंबर 136, फर्स्ट रेलवे ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला रेलवे ट्रैक कौन सा था, कराची एंड कोठरी. क्वेश्चन नंबर 137, फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला 5 साल जो प्लान था वो कौन सा था, इट्स आंसर इज 1955 to 1960, यानी 1955 से लेके 1960 तक पाकिस्तान का पहला 5-year मनसूबा था. क्वेश्चन नंबर 138, फर्स्ट पाकिस्तानी हु क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट, यानी वो कौन सा पहला पाकिस्तानी था जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, इसका आंसर है जी नज़ीर साबिर इसका नाम है जी, जिसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले सर किया था इन 2000. क्वेश्चन नंबर 139, फर्स्ट पाकिस्तानी हु ड्रा पाकिस्तानी फ्लैग इन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में सबसे पहले वो कौन सा पाकिस्तानी था जिसने नॉर्थ पोल पे फ्लैग को नसब किया था, इट्स आंसर इज नुमेरा सलीम. इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन,
व्हेन फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहली इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई? इट्स आंसर इज 25 जुलाई 1948। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।